इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा जिनका चांस बहुत ज़्यादा है रेलवे ग्रुप डी में आने का। और चांस ही नहीं बल्कि ये वो 50 क्वेश्चन है जो रेलवे में बार बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्ट होना है तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राज्यपाल। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसका उत्तर है फ्रियाउन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और एक देश के राष्ट्रीय गान को लिखा है? उत्तर है बांग्लादेश। हीटर के तार किस चीज़ से बने होते हैं? उत्तर है नेक्रोम। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? उत्तर है पातालपुरी। ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है? उत्तर है स्टील में। किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? कहाँ पे है? मालीगांव में। घरेलू उपयोग में होने वाले चीनी में पाया जाता है सुक्रोज। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? उत्तर है लियो टॉलस्टॉय। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? किस चीज़ से नापते हैं हम लोग वायुमंडलीय दाब? उत्तर है बैरोमीटर। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर होती है? उत्तर है अक्षांश। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर है आत्माराम पांडुरंग। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर है सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? उत्तर है शहतूत की पत्ती। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किस स्थान पर स्थित है? उत्तर है लूथल। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? उत्तर है ताले बनाने के लिए। भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? बनारस में। शाहनामा किसकी कृति है? उत्तर है फिरदौसी। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? उत्तर है जम्मू कश्मीर। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था? उत्तर है जॉर्ज वाशिंगटन। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक किसकी स्मृति में समर्पित है? उत्तर है स्वामी विवेकानंद। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? उत्तर है 16 अप्रैल 1853 को। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है प्रशांत महासागर। किस मुगल शासक ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी? किसने की थी? अकबर ने। रूस में साइबोरिया पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? वहाँ पे अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? कितने हैं? 6100 किलोमीटर। ऋतुएं किन कारणों से होती है? उत्तर है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होती है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? जगह का नाम है एलिफेंटा। कहाँ पर लोकेटेड है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? उत्तर है कारावती। प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया है कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा में। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? उत्तर है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना, इसी को बोलते हैं हरित क्रांति का अर्थ। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली
उपलब्ध मृदा कौन सी है? काली मिट्टी, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाया जाता है। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है किसके द्वारा? सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण द्वारा। किस देश में सूची स्तंभ, जिसको पिरामिड बोलते हैं, पाए गए हैं? जगह का नाम है मिस्र, जिसको इजिप्ट भी बोलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? उत्तर है बालाजी बाजीराव। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर है महात्मा फुले। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा है? उत्तर है महाकवि कालिदास। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? उत्तर है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। और आखिरी क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? उत्तर है सतलज नदी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन पर जरूर से प्रेस कीजिए।